नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आए हैं गांव जीतगढ़ में और यहाँ के कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं। अभी हम उनसे बात करते हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं उनके बारे में। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर। जो आपके यहाँ से जो पार्षद हैं दयानंद और लोना, उनके बारे में आपका क्या कहना है? भाई उनके बारे में के कह सका, हाँ गांव मान देने जान देने कदे मिले आवे जीवे तो कुछ हो ना, कोई काम करना नहीं, कोई धाम करना, बता के बता रहा है। और पंचायत के काम के लिए पंचायत भी अपना यू तो हम नबे रहे हैं, जो कर रहे हैं है? सारा ये चल रहे हैं भाई। ठीक बात है, ठीक बात है सर। तो जैसे अभी एक भाई साहब और बैठे हैं, अभी हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई। क्या है? ठीक ठाक है भाई। भाई जो आपके यहाँ से जो पार्षद हैं उनके बारे में दयानंद क्या कहना? भाई काम कुछ करवाया नहीं ना कुछ, ना कुछ ने काम आया हो, करीबन 3 साल हो गए होंगे उसको बने हुए। चार साल के करीब हो गए। देखा नहीं कभी कोई कहा उसने भाई मैं यू ग्रांट ले आया हूँ, यू काम करवाया, उसने अब तक तो कुछ काम नहीं करवाया। पंचायत का कुछ हिसाब? पंचायत का ऐसा है जैसे कि कोई टूट फूट की नाली है वो कंप्लीट करवाई है पंचायत ने भी। अच्छा, मेंटेनेंस करवाई है। हाँ, जैसे भी बाकी और मेरे गांव का तकरीबन विकास हो रहा है, नाला का बाकी है, नाला भी निकल नहीं रहा। कई दफ़ा कह लिया पंचायत को नाला निकालो, एक प्रेस का काम है, यू प्रेस है यू आधा पड़ा है, 20 बजे कह दिया भाई उसको गेट के लगाने की बात यार सुनाई नहीं भाई, मतलब ये बात ये है सुनाई नहीं है, किधर जाके देख ले है। कारण तो मान ले इलेक्शन तो पहले तो ये घोषणा करेंगे कि भाई हम यू कर देंगे, हम यू कर देंगे। वो सरपंच से कहा था मैं, कहा भाई गेट काट लिया था, भले गाँव जाओ लेने के लिए, मैं फिर पंचायत किसके लिए बनी है? अगर गांव ने ग्रांट लाने हैं तो सरपंच भाई बनने की क्या जरूरत है फिर? ठीक बात है सर। भले गांव जाके लाओ ऊपर से, गांव थोड़ा ही जाओगा। ठीक बात है, आप गांव के मुखिया हो, आप जाओ लेके आओ। हाँ जी सर। तो भाई ये तो काम सरपंच का होता है ना, ग्रांट लाना लगाना, तो गांव थोड़ा ही जाओगा। और फिर तो सरपंच की जरूरत नहीं थी। सरपंच की जरूरत, मैं तो बिल्कुल मेरी ये सोच तो खुद की सोच तो ये है कि मेंबरों को ग्रांट मिलना चाहिए। हाँ। सरपंच के बजाय मेंबरों को हर वार्ड में, जो वार्ड में जो मेंबर बनता है उसको ग्रांट मिलना चाहिए, वो अपने जिस उस वार्ड में वो काम कर सके। ठीक है। तो जैसे अभी भाई साहब थे, इन्होंने अपने विचार रखे, तो अभी एक भाई साहब और अभी उनसे मिल लेते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण अभी हम उनसे पूछ लेते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। ठीक है अंकल जी? ठीक है अंकल जी। जो आपके यहाँ से जो पार्षद हैं दयानंद जी, हाँ जी, उनके बारे में पूछना था कि कुछ कहना है आपको, काम कौन करेगा नहीं करे, आवा है कि नहीं आवा है? काम आवे जरूर है, काम कुछ नहीं किया बिल्कुल भी, कोई एक नलका तक नहीं लुआया उसने, नलका कुछ नहीं लुआया। नहीं लुआ। और पंचायत किसा काम कर रही है? पंचायत अच्छा काम कर रही है। पंचायत अच्छा काम कर रही है। पंचायत अच्छा ब्लॉक समिति वाला भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, तो अभी जैसे अंकल जी ने बताया, तो अभी एक और अंकल जी हैं उनसे पूछ लेते हैं। नमस्ते अंकल जी। हमारे जी दयानंद से ज़्यादा तो ब्लॉक समिति वाला ने काम करवाया है। अच्छा। गाँव के अंदर। और पंचायत किसा काम कर रही है? पंचायत बढ़िया काम कर रही है। पंचायत बढ़िया काम कर रही है जी। तो अभी एक भाई साहब हैं उनसे पूछ लेते हैं। हेलो, हाँ अंकल जी। नमस्ते। ठीक है अंकल जी। ठीक है अंकल जी। जो आपके यहाँ से जो पार्षद है दयानंद जी, उनके बारे में क्या कुछ कहना? वो बिल्कुल भी जो भी कुछ का ग्रांट सारा लेकर अपने पास बैठी है, किसी भी गांव में कोई भी कोई उलाना जीतगढ़ किसी में भी नहीं लगा, कहीं भी और बोलो। ठीक है ठीक है। ये तो उनके नजदीक के गांव है, इनमें भी नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा। और उसका रिजल्ट उन्होंने अभी जैसे यहाँ पे ग्रामीणों ने बताया, अभी एक भाई साहब है इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। क्या हाल भाई? ठीक है भाई। जो यहाँ से आपके जो पार्षद है दयानंद जी, उनके बारे में कुछ नहीं, काम तो काम नहीं होता, आना है
पंचायत ठीक काम कर रही है, पंचायत बढ़िया काम कर रही है। तो जैसे ही आपके लोगों की राय सुनी आप लोगों ने, तो इस वीडियो के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।